और द्वारिकाधीश वाला भी मंदिर भी मैं आप सभी लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो गाइस आज को ब्लॉग को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज है दोस्तों जुतिया पूजा जो कि, और मैं इस समय हूँ घर पर अपने, और घर पर जो कि घर इस समय हम धोए हुए हैं पानी से, और हमारी वाइफ जो कि व्रत है, और व्रत होने के बावजूद भी जो कि अपना काम करने गई है, तो जल्दी ही आ जाएंगी काम पर से। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग इंतज़ार करते हैं, उसके बाद अभी हम लोग मार्केट के लिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। फाइनली दोस्तों जो कि हमको आदेश मिल चुका है कि सामान लाने के लिए, अब हम सुंदरपुर सट्टी को जो कि जा रहे हैं। ये झोला हम अपना ले लिए हैं और ये सीमा का जो कि कपड़ा भी सिल कर आ चुका है, साड़ी ब्लाउज जो भी ये जो कि यही पहनेंगी। और तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं और सट्टी, सुंदरपुर सट्टी में सामान लाने के लिए, और आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू और सुंदरपुर सट्टी में क्या क्या सामान लेना है। मैं चलता हूँ, आप सभी लोग को दिखाता हूँ। ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं चलूँगा घाट पर। मैं ये भी दिखाऊँगा द्वारिकाधीश का मंदिर, बनारस में भी द्वारिकाधीश जी का मंदिर है, वहाँ पर द्वारिकाधीश जी आए हुए थे, तो वहाँ का भी हम कहानी भी आप सभी लोग को बताएंगे। लेकिन आप सभी लोग हमारे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। फाइनली जो कि सुंदरपुर सट्टी हम पैदल ही निकल चुके हैं, और ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, इसलिए पैदल ही जा रहे हैं। ये देख सकते हैं जो कि हमारे खोजवा क्षेत्र का है। फाइनली जो कि सुंदरपुर सट्टी हम पहुँच चुके हैं, आपको यहाँ का व्यू दिखाते हैं। का भैया सेव कैसे है? 120 का भैया, 100 रुपया दाम दिया था बढ़िया। तो पैसा नहीं करो ठेला पर, बहुत दूर तक ना पैसा, बहुत दूर तक ना पाई लंका दिन में तो पहले पैसा। क्या बात है यार, बरामदे ना बरामदे, कुछ कम करके दे दा एक किलो। और भाई लोग खदारी है भैया, ये सब से देख ला। 100 रुपया लगा ना दिखा, 100 रुपया लगा ला, 10 छे 10 किलो बड़े भाई। सौ रुपया लगा के दे दे भाई, दो किलो एक किलो यार, माल चोखा ला ले, बढ़िया दे भाई। अरे ले जा, मजे से गाड़ी सुने लगा बाबू, पागल बन जाना जो कि। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सेव लिए हैं, और केला तो सही नहीं लग रहा है, अभी लेते हैं केला भी। फाइनली दोस्तों जो कि फल ले चुके हैं, और ये भाई से फल लिए है सुंदरपुर सट्टी में जो कि, और अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। तो सोच रहे हैं अमरूद भी ले लें, कहा तो अमरूद लेकिन ख़राब लग रहा है हमको, घर पर जाएंगे गाली सुनने भी लगेंगे। बस भैया फाइनली दोस्तों जो कि गमछा भी भैया की दुकान से ले लिए, फल भी ले लिए, अब चलते हैं हम लोग घर की तरफ। अभी एक चीज़ और लेना है, माला फूल लेना है, जो कि माला फूल का दुकान यहीं पर है। माला कैसे दिला भैया? 15 का, 12 वाला 30 का। 15 वाला दूड़े दे दा माला। फाइनली दोस्तों जो कि हम फल लेकर घर पर पहुंच चुके हैं, और बाहर में बारिश की बूंदे भी जो कि थोड़ा मोड़ा गिर रहा है, और यहाँ पर ये आराम से, इस औरत का काम है बस आराम से बैठना, बस बैठे रहना, बस हो गया, बढ़ती है हम मान रहे बढ़ती है। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आदमी लोगों को कष्ट होता है, उतना दूर से फल हाथ में ही लेकर आना पड़ा हमको, फल में पूरा सामग्री जो कि ले लिए हैं। और दोस्तों अब इसको निकालेंगे धोने के लिए, पहले धोते हैं उसके बाद इसको सजाते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली दोस्तों जो कि हमारी बीवी थोड़ा गुस्सा हो गई है, और गुस्से में जो कि फल वल धोकर
यहाँ पर रख दी है। और इसका व्रत देखते हुए इंद्र भगवान भी बहुत प्रसन्न होकर जो कि बारिश करा रहे हैं और जो कि देख सकते हैं थोड़ा गुस्सा हो गई हैं, जो कि हम इनसे हिसाब थोड़ा मांग लिए थे इसके वजह से थोड़ा गुस्सा हो गई हैं। और फल लुगा गया है बहुत तेज़ में जो कि बारिश हो रहा है बाहर। अच्छा है जो कि बारिश हो जाए तो ठंडा थोड़ा मौसम हो जाता है, इससे बहुत बढ़िया रहेगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग फल धो रहे हैं सीमा इसमें से निकाल निकाल कर। आप देख सकते हैं मैं फल चुन चुन के लिया हूँ, बहुत ही अच्छा अच्छा जो कि लिया हूँ, इसमें कोई सामान भी ख़राब नहीं दिया हूँ। दिया भी ले लिया हूँ साथ में ही। तो चलिए दोस्तों फल धोते हैं, उसके बाद बच्चों को अभी स्कूल भी लाने हमको जाना है। तो फटाफट फल धोने के बाद उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे चलने के लिए घाट पर। फाइनली दोस्तों जो कि अभी हम घर से निकल चुके हैं बच्चों को लाने के लिए, तो अभी हमको जो कि लंका तक हमको क्षेत्र मिला हुआ है, संकट मोचन तक क्षेत्र मिला है, लेकिन हमको बड़ी मजबूरन में जो कि अपना बॉर्डर जो कि क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं क्रॉस करेंगे तो बच्चे का पढ़ाई लिखाई भी बर्बाद हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग अभी संकट मोचन पहुँचे हुए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं स्कूल में बच्चों को लाने, उसके बाद हम लोग निकलेंगे पूजा करने के लिए। ऐसे तो फल उल सारा धोला कर हम रख चुके हैं, हमारी वाइफ जो भी धो दिए। तो चलिए दोस्तों बच्चों को जल्दी से लेकर आते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो कि तैयार हो गए हैं और हम लोग चल रहे हैं, अपना सभी सामान उठाते हैं, गाड़ी का चाबी उठाते हैं और गाड़ी से जो कि हम लोग निकलेंगे और चलते हैं। आप सभी लोग को वह द्वारिकाधीश वाला भी मंदिर भी मैं आप सभी लोग को दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। फाइनली दोस्तों जो कि हम निकल चुके हैं और सुबह से ही जो कि बारिश हो रिश हो रहा था, खुजवा में निकलते ही जाम मिल गया थोड़ा बहुत। तो अभी चल रहे हैं हम लोग शंकुलधारा पोखरा। फाइनली दोस्तों जो कि हम पहुँच चुके हैं और अपने परिवार को जो कि छोड़ चुके हैं और यहाँ पर जो कि चली गई हैं अंदर के साइड में पूजा करने। अब वो कहाँ पर बैठी ये हमें नहीं पता, हम अपनी गाड़ी जो कि यहाँ पर खड़ा कर चुके हैं और यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर अभी साफ़ सफाई जो कि इस तालाब का जो कि साफ़ सफाई चल रहा है। आज तो लगभग बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, दिन भर बारिश ही बरस रहा था और यहाँ का दृश्य देख सकते हैं दृश्य। और वहाँ पर आप देख सकते हैं द्वारिका दृश्य, मैं आप सभी लोगों को करीब में ले जाकर मैं आप सभी लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। पिछले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आप पूरा सभी लोग जो कि पूजा करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर बैठ के सभी लोग जुगतिया पूजा जो कि जुगतिया पूजा का पर्व जो कि मना रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी भीड़, बहुत ज़्यादा है भीड़। एक्चुअली इधर जितना भी हमारे मोहल्ले का एरिया है सारे एरिया में से सभी लोग शंकुलधारा पोखरा पर ही पूजा करने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद जो कि यहाँ पर लगता है, बहुत ही आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी लोग आए हुए हैं और हम लोग चलते हैं दोस्तों द्वारिकाधीश मंदिर के अंदर भी। आपको इधर का बाहर का कुछ व्यू आज का दिखा दूँ, बहुत ही मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज के दिन। और जुगतिया पूजा पुत्र के लिए जो कि किया जाता है, सुने हैं ऐसा ही पति और पुत्र के लिए शायद किया जाता है, बच्चों के लिए यह पर्व बच्चों के लिए है जो कि इस पर्व में 12 घंटा तक 24 घंटा मान के चलो 24 घंटा तक कुछ ना खाना है ना कुछ पीना है ना तो एक घर तक नहीं अंदर प्रवेश करना है। तो यही पर्व का नियम है दोस्तों और पूरे फल को लेकर जो कि यहाँ पर घाट के अगर आपके घाट है, अगर आपके शहर में गंगा नदी किनारा है तो वहाँ पर भी आप सभी लोग जा सकते हैं और नहीं तो किसी पोखरा या तो घर पर ही, बहुत लोग घर पर ही करते हैं, बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, नज़दीक में जो भी मंदिर है वहाँ पर भी कर सकते हैं। यह देख सकते हैं कितना ही सुंदर है और
फाइनली दोस्तों जो कि देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं द्वारिका दी जी का। और यही दोस्तों जो कि मंदिर है, ऊंचाई पर यह मंदिर है, सीढ़ी चढ़ना होगा जिसके लिए हमें, आप देख सकते हैं यहाँ पर कलश और श्री कृष्ण भगवान जी का जो कि प्रतिमा बना हुआ है। और इस तरफ जो कि चक्र गदा भी बना हुआ है। और यहाँ से हम लोग सीढ़ी पर चढ़ते हैं और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, सूचना है न्यायाधीश से भी है सूचना। और यहाँ ऊपर से कुछ आप दृश्य देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मंगलमय जो कि है। तो चलिए दोस्तों, यह मंदिर बहुत ही पुराना है। आपको वाराणसी में मंदिर ऐसे बहुत सारे हैं, मंदिर गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लेकिन मंदिर कम नहीं होगा। और मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। इसको आप लोग पढ़ सकते भी हैं। मंदिर का कुछ दृश्य इस प्रकार है, मैं आप सभी लोगों से वादा किया था इसलिए मैं फिर लाया आप सभी लोगों को। भैया ये मंदिर का क्या विशेषता है, इस मंदिर का क्या विशेषता है कुछ बता सकते हैं? आपको नहीं पता? कोई बात नहीं भैया। और यहाँ पर बहुत लोग देखी, ये भजन जो भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर जगत गुरु रामानंद जी महाराज जी जो कि यहाँ पर विराजमान है, मैं आपको थोड़ा जूम करके जो उसको दिखा देना चाहता हूँ। ये जगत गुरु रामानंद जी महाराज जी हैं और उनका दर्शन आप पा रहे हैं। यहाँ पर मोर का पंख भी रखा हुआ है बाजू में, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर गरुड़ जी का जो कि यहाँ पर बना है और उस साइड हनुमान जी का जो भी बना है, और ऊपर का पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो कि आपको द्वारिका जी जी जो मिलेंगे, यहाँ देख सकते हैं द्वारिका जी जी विराजमान है अपने स्वरूप में। और इधर भी देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह में जो कि शालिग्राम भी अंदर रखा गया है, राधा कृष्ण जी है। और यहाँ लोग, यहाँ के लोकल लोग जो कि ये मंदिर को जानते हैं, बहुत लोग जानते भी नहीं है इस मंदिर को। आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज जुगतिया पूजा है जो कि इसीलिए सुबह सर पर जो कि आना पड़ा हमें, बहुत ही अच्छा व्यू है। और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ खास जानकारी इस मंदिर के विषय में हमें नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं राम जी जो कि हैं, राम और जानकी जी, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। आप पढ़ सकते हैं श्री राम जानकी जी हैं और प्रणाम करते हैं। एक शालिग्राम जो कि अंदर भीतर की तरफ भी रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शालिग्राम जी हैं यहाँ पर। और मंदिर जो कि देख सकते हैं चारों तरफ से बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही आनंद आ रहा है जो कि इस मंदिर में। यहाँ पर लगता है कि जो भी पंडित जी रहते हैं यहाँ पर बैठ कर अपना भजन इत्यादि करते हैं। और यह मंदिर का जो कि पिछला द्वार है और यहाँ पर जो कि जितने भी पंडित जी रहते हैं सभी लोग, इस मंदिर के देखभाल करने वाले लोग यहाँ पर रहते हुए हैं। यहाँ पर मंदिर का जो कि आरती के लिए भी जो कि रखा गया है, यहाँ पर पानी पीने के लिए भी है। और यही दृश्य है कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमय जो कि यह मंदिर है। इसी के साथ दोस्तों जो कि हम लोग चलते हैं बाहर की तरफ।
अभी मालूम भी नहीं जगह मिला कि नहीं। प्राचीन मंदिर भी मिलेगा, श्री संकुटेश्वर महादेव जी का मंदिर केदारेश्वर खंड, केदारेश्वर खंड में जो किया जाता है यह मंदिर। और अंदर प्रवेश करने का अभी जो कि जगह है नहीं, तो हम आपको इधर से जो कि दर्शन करा सकते हैं। और हम बहुत लोग जो कि यहाँ पर वैदिक मंत्र भी पढ़ाया जाता है, पूजा पाठ इत्यादि। इस मंदिर के विशेषता में भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। दोस्तों यहाँ पर ये भी होता है जो पिंडदान किया जाता है, यहाँ पर अधिक सबसे अधिक यहाँ पर भी होता है दोस्तों, जो कि दरी के साइड पिंडदान जो भी होता है। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।